आप इनकी कहानियां पढ़ते आ रहे हैं इनके ऑडिबल शो सुनते आ रहे हैं और अब तो आप इनकी मूवीज भी थिएटर में देखने जाते हैं जी हाँ पी एस वन और पी एस टू मूवीज के डायलॉग राइटर हैं ये और इससे पहले डॉक्टर अरोड़ा वेब सीरीज की भी डायलॉग राइटिंग ये कर चुके हैं मुसाफिर कैफे के सुधा चंदर हो या फिर इब्ने बतूती के राघव और शालू ये सारे कैरेक्टर्स आम परिस्थितियों में भी बड़े हिम्मत भरे कदम उठा जाते हैं और जब इनसे पूछा जाता है तब ये कहते हैं कि ये तो कैरेक्टर्स कर जाते हैं मैं थोड़ी ऐसा लिखता हूँ ऐसी ही बड़ी रोचक बातें इस पूरे एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगी लाइफ फिलोसॉफी के ऊपर बहुत प्यारी बातें की गई हैं अगर आप राइटर हैं या फिर इनकी किताबें पढ़ते और इनको सुनते आ रहे हैं तो आपको बेहद मजा आने वाला है इस एपिसोड को पूरा देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा अनस्पोकन विद बत्तों में दिव्य प्रकाश दुबे जी को आइए सुनते हैं सबसे पहले तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू अनस्पोकन विद बत्तों की इस एपिसोड में आने के लिए और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आ, ये एक अच्छी बात है कि मैं आपको थोड़ा सा पहले से जानती हूँ तो मेरे लिए भी बहुत सहज हो गया नहीं तो अगर मैं आज आपसे पहली बार मिल रही होती तो मुझे यकीन है कि मैं बहुत वैसे होती ओ <laughs> तो मुझे थोड़ा आज आ, अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा मैं एज ह्यूमन आपको जान नहीं मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ही जानता हूँ अच्छा <laughs> <laughs> जान तो <laughs> <laughs> जा, पहला सवाल आपसे क्या पूछा जाता है जब भी आप किसी भी ऐसे क्योंकि आप बहुत सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यूज और मंच पर आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं हर बार जब भी आप कोई किताब रिलीज करते तो कौन सा सवाल है जिसे आप जिसका जवाब देते देते आप थक चुके हो जो जवाब मैं देते देते थक चुका हूँ वो एक तो नॉर्मली लिटफेस्ट में वो पूछा जाता है कि नई वाली हिंदी क्या है वो जिसका मैं हज़ार बार हज़ार तरीके से जितना सजा के दे सकता था जवाब मैं दे चुका हूँ लेकिन वो सवाल और अच्छी बात है कि वो सवाल बार बार पैदा हो जाता है और लेकिन वो मैं देते देते मैंने सबसे ज्यादा उसी का जवाब दिया है लेकिन नॉर्मली लोग जब सवाल पूछते हैं तो वही जानना चाहते हैं कि आपकी यात्रा क्या रही है कैसे किया है और मैं बड़ा ऑपवर्ड हो जाता है क्योंकि मेरी मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ यात्रा अभी हुई नहीं है अभी शुरू हुई है okay. तो इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ कि मैं कितना कितना मैं सजा के बताऊँ मतलब मैं कई बार झूठ भी बोल देता हूँ उसी में और अक्सर मैं झूठ बोलता हूँ उसमें इंटरव्यू में झूठ ऐसा नहीं कि जो किसी को नुकसान पहुंचा लेकिन अगर कोई बात किसी और दोस्त के साथ हुई है और बड़ी इंस्पायरिंग बात है तो मैं मेरे साथ हुई करके बता देता हूँ किया ये तो तो लोगों को क्यों अल्टीमेट चीज आ, आ, यही है कि जो भी आपकी बात सुन रहे हैं कुछ एक पत्ता हिल जाए उसके मन में कुछ कुछ एक परिवर्तन हो जाए अदरवाइज कुछ भी करने का को कोई पॉइंट नहीं है ना हमें मतलब मुझे भी एक कहीं वेग ये यकीन है इस दुनिया में कि शायद मैं थोड़ी सी दुनिया बदल लूंगा शायद तो शायद भी सारा खेल खेल रहे हैं तो और वही सवाल आता है तो मैं घुमा फिरा के जवाब देने की कोशिश करता हूँ पर ऐसा भी होगा ना कि दस साल बाद भी आपको लगेगा कि आपकी जर्नी अभी कोई पॉइंट आएगा ऐसा जब आपको लगेगा कि हाँ अब शायद मैं बताने के लिए तैयार हूँ कि क्या जर्नी रही है मतलब आपके दिमाग में कोई है वैसी जर्नी कि ये मिलने के बाद में शायद इजी होगा बताना किसी को नहीं लेकिन ना मैं आ, मुझे ना ये कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो जर्नी कभी ये मैं बोल पाऊंगा कि ये पूरा हो गया क्योंकि ना उसका उसकी वजह बहुत साफ है क्योंकि हम जब क्लास ट्वेल्थ में थे तो हमारे पूरे लोगों में जो बहुत बड़ा सपना हम देखते थे वो ये देखते थे कि अरे हम किसी सरकारी दफ्तर में ना हम क्लर्क हो जाएंगे और क्लर्क भी ऐसे वैसे नहीं जिसकी ऊपरी कमाई होती हो मतलब जो तनखा सूखी सूखी अलग रहे और क्योंकि ये सब सरकारी स्कूल इससे बड़ा सपना ही उस समय नहीं दिखा रहे थे वो मजाज साहब का शेयर है मैं बहुत हमेशा इंस्पायर्ड रहता हूँ उससे कि जमाने से आगे तो बढ़ी मजाज जमाने को आगे बढ़ाना भी है जब आपको बढ़ाना भी है कि जिम्मेदारी आप बहुत ज्यादा लोडेड ले लेते हैं तो फिर ये हम देखने लगेंगे ना हम कितना घूम के आ गए तो फिर हम स्लो हो जाएंगे क्योंकि फिर तो बहुत हो गया ना मतलब मैं अगर अब देखू जाके मैं मैं बड़ा मन है कि मैं किसी दिन अब जाऊं अपना स्कूल देखने ट्वेल्थ का टेंथ का सेवेंथ का हर दो ही जाऊं देखने मुरादाबाद जाऊं देखने कि वहां क्या हो रहा है बच्चे क्या सपने देख रहे हैं हाँ। वो क्या हो रहा है तो अगर वो मतलब मुझे वैसे लगता है कि जैसे हमेशा मैं सोचता ना जो मिडिल क्लास आदमी होता है ना जो होता है वो लोग पैसे से मिडिल क्लास नहीं होते वो सोच से मिडिल क्लास होते बहुत, बहुत तो वो 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 जो चीज है वो मुझे लगता है कि ब्रेक करने की जरूरत है तो इसलिए मुझे नहीं लगता जितना मैं एम्बिशियस हूँ और एम्बिशियस सही वर्ल्ड नहीं है उसका कि मुझे लगता है कि मैं कई सारी दूरियां आपको इसलिए नहीं दे कई सारे आपको गेट इसलिए नहीं खोलने कि वो आपके लिए खोल रहे हो आपके खोलने से ना डेढ़ और लोगों के लिए गेट खोलता है जैसे वो क्रिकेट में जो धोनी के आने से केवल ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि धोनी आए वो पूरी एक आप सोचो ना कि जो वर्चस्व था दिल्ली बॉम्बे कैलकाटा और जो बड़े बड़े क्लब्स का वो ब्रेक होता है ना धोनी का कंट्रीब्यूशन ये नहीं है इस दुनिया में कि वो अपने लिए जो उन्होंने किया वो जो बाकी लोगों को एक सपने देखने का शऊर दिया वो बहुत बड़ा है तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पंद्रह साल बाद भी या बीस साल बाद भी आखरी सांस तक भी मुझे हाँ बड़ा आओ, मैं कि ऐसे नहीं होता है, तो मुझे, वो अंकल नहीं होना है जो देते। मुझे ना ये बहुत सही बात लगती है कि आप अपने लिए और इस थॉट से जब आप कुछ करते हो कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो भले ही शायद करते वक्त आपके दिमाग में ये होता है कि हाँ अब मैं ये कदम उठा रहा हूँ मैं चाह रहा था ये कर पा रहा हूँ जो भी है पर अः लोग होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं और उनको लगता है कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं और वो मुझे लगता है कि वो इम्पेक्ट क्रिएट कर पाना आपकी एनर्जी बने रहने के लिए बहुत जरूरी है अगर आप हर चीज अपने लिए ही करोगे आप बहुत जल्दी थक जाओगे और जब तो उसमें मुझे चार लाइन मुझे याद आती है कि अः औरतों के लिए लिखी थी कि जिद है उनकी बंद कमरों सी तू तो अपनी पर अड़ जाना खोल चिटकनी हर बंधन की उनको भी बाहर लाना बहुत अच्छा तो

सोच के ही है करेंगे मुझे लगता है ना जैसे जैसे मैं हर, जितने भी दिन मैं नौकरी मैंने ऑलमोस्ट साल नौकरी की अपने एम के बाद में और हर एक दिन मैंने नौकरी में जब मैं गया हूँ चाहे मैं बेमन से गया मेरे ग्यारह मई 2009 को एग्जैक्टली मेरा नौकरी का पहला दिन था यहीं पे मुंबई में और 11 मई 2009 2009 के शाम को मुझे एग्जैक्टली ये बात पता थी कि मुझे ये नौकरी हमेशा नहीं करनी है लेकिन फिर भी मैंने जितना भी लंबा समय बिताया वहाँ पे और बहुत अच्छे से की जाओ आप नौकरी करते हो ना तो आप एक वो चीज़ सीखते हो जो जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है और किसी भी फील्ड में जरूरी है और वो है धैर्य पेशेंस मुझे लगता है सारी जो मैं राइटिंग की दुनिया से आता हूँ और किसी भी चाहे किसी भी फील्ड में आप देखोगे धैर्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं है रामचरित मानस में भी वो लाइन है ना कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल पर कहीं चारी तो जो धीरज है धर्म मित्र और नारी वो तीनों एक्सटर्नल फोर्स हैं जो धीरज जीवाज का अपना पर्सनल है आपके हाथ में वही है तो मुझे लगता है नौकरी भी जब मैं कर रहा ना तो मैं पैशनेट नहीं था कि नहीं मैं को नौकरी छोड़ दूंगा और ये कर दूंगा एक दिन मुझे लगा कि मेरा जो जो समय है मैं मैं नौकरी में दे रहा हूं और उससे अमाउंट कमाता हूं। वही समय अगर मैं यहां दूंगा तो मैं एक्स तो कमा ही लूंगा शायद टू एक्स कमा लूंगा है ना मेरा कैलकुलेशन बहुत सिंपल था तो जो लोगों को लगता है रिस्क लिया मैंने ना मैंने मैं तो उस एज में मैंने नौकरी छोड़ी है जब बच्चे हो बच्चा हो गया और आपके एक सर्टन लाइफ स्टाइल ना जैसे कभी भी जो लोग बहुत पैशनेट होते हैं ना मैं बहुत लोग मेरे को मिलते हैं कि अरे हम सोच रहे हैं कि हम ना मैं छोड़ दूँ ये एक्चुअली छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है वो वैसे जैसे बच्चे को आप बता ना टीवी मत देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो टीवी ना देखे उसको आप बताओ ना कि वो टीवी नहीं देखे तो क्या करे है ना वो आप नहीं बताते अब आप टीवी ना देखे आपने आधा काम किया है वो और वो ज्यादा गड़बड़ है कम से कम शांति से बैठ के टीवी देख रहा था है ना आपको खुद ही नहीं पता उसको क्या बताना है

को ना जैसे हम लोगों ने क्या हुआ है कि चूंकि कहानियों में उस नैरेटिव में एकदम से जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है हम दिखाएंगे कि अरे ये रिक्शे वाले के बच्चा कोई आई हो गया या कोई ड्राइवर की बच्ची के 99 परसेंट आ गए कुछ 100 परसेंट आ गया हम लोग क्या कहते हैं ना कि हमने ना सपनों को बेचना शुरू कर दिया है और सपने मैं इसलिए ओवर रेटेड मानता हूँ जो दूसरा जो बहुत स्ट्रांग वजह है कि मैं ना कभी जिंदगी में सपना नहीं देख सकता था कि किसी दिन एक पोस्टर पे जिसमें मणिरत्न सर का नाम लिखा है और मेरा नाम साथ में ये सपना अगर मेरे को कोई बोलता ना डेढ़ साल पहले भी तो मैं कहता तुम पागल हो गए हो क्या मतलब तुम ये क्या बात कर रहे हो यार ये ये गड़बड़ बात है ये तो हो ही नहीं सकता जब हम सपने देखते हैं ना तो हम अपने आप को लिमिट कर रहे होते हैं अपनी औकात में से छोटा हम परफॉर्म करते हैं हमें ना सपने क्या क्योंकि सपने टेम्पलेटेड होते हैं हम क्या जैसे मैं जब बड़ा हो रहा था तो हम क्या देखते थे नीली बत्ती में जो डीएम साहब है ना तो पिताजी सरकारी नौकरी में थे हमें लगता था डीएम जो होता है है ना कि डीएम कि, कि अगर हो गए जीवन में तो मतलब उसके तो क्या है मतलब इससे बड़ा क्या है इस धरती पे कि यहाँ पे कितने सारे टॉपर्स ऑफिसर हैं सब सैल्यूट कर रहे हैं चार जो वो खड़े हैं पांच तो गाड़ी खड़ी है ये खड़ा है और सब कुछ है बाद में जब थोड़े और आई जीवन में मेचोरिटी आई तो हमने देखा कि वही डीएम साहब कोई बड़ा निकल रहा है कमिश्नर तो खड़े हैं वो वहां पे बाबू की तरह दिख रहे हैं फिर हमें लगता था कि यार ये ऐसा ही होता है क्या ही पावर होती है फिर देखा किसी दिन आईजी है तो वो सिपाही की तरह खड़ा है हर आईजी एक सिपाही है किसी न किसी के सामने सपने को इसीलिए ना बहुत ओवर रेटेड है पूरा सपने का कॉन्सेप्ट इसलिए डायरेक्शन होना चाहिए अब पता कैसे चले कि डायरेक्शन क्या है जो आपका सवाल है बहुत सारे लोग जैसे एक एज में हम लोग सब लोग कंफ्यूज रहते हैं मैंने तो मैं तो इतना कंफ्यूज था लाइफ में कि मुझे के बाद मैंने दो साल का ड्रॉप लिया मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँगा दो साल मैंने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी मैं केवल रजनीश पढ़ता था विवेकानंद को पढ़ा मैंने मैंने बहुत मतलब मुझे लगता है सत्तर अस्सी किताबें उस दौरान अपनी लिमिट के बाहर जाके पढ़ी होंगी और उसी दौरान आपने पढ़ने शुरू की क्या पहले नहीं नहीं तो ट्वेल्थ के बाद ही मैंने पढ़ू क्योंकि ट्वेल्थ के बाद एकदम से मेरे को क्या हुआ ना मैं डायरेक्शन हो गया क्योंकि जितने लोग थे हमारे एक तरफ वो साथ के थे लोग कई बार वो थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन काम करती है जैसे कि बहुत सारे लोग थे जिनको मेडिकल का करना था तो कुछ दो चार लड़के वहां से निकल पाए बाकी हमारे जिस तरीके के मैं स्कूल से था पे 95% जनता वो थी जिनको दिमाग क्यों नहीं लगाना था अगर वहां पे है तो बी में हो गया तो बी ले, ले लेंगे बी में हो गया तो बी ले, ले लेंगे हम मैं उस दुनिया से आता हूँ ना जहाँ पे इतनी श्योरिटी की मुझे इंजीनियरिंग करनी है ये भी केवल दो ही लोगों की थी बैच में है ना

जो डायरेक्शन वाली बात है ना मुझे लगता है ये केवल हिट एंड ट्रायल हो सकता है हिट एंड ट्रायल का एडवांटेज क्या है कि आप थोड़ा सा तो भटकोगे हाँ। लेकिन आप इवेंचुअली वहां पहुंच जाओगे आपको जाना है है हाँ। ना अगर आपके पास ये मौका है कि आप एक आध साल जो मुझे हमेशा लगता है कि क्लास ट्वेल्थ के बाद में इनवेरिएबली आपको चाहे जो भी क्लैरिटी हो अगर क्लैरिटी है तो फिर आप किसी से पूछना नहीं जाओगे लेकिन आपको एक आध साल का ना एक गैप ईयर लेना चाहिए और वो एक साल का गैप इसलिए जरूरी है ताकि आप थोड़ा जैसे कई बार जब बहुत लंबी छलांग लगानी होती है तो पीछे जाना होता है ना तब आप कर पाते हैं आप फैमिली से कितना कनेक्टेड थे बिकॉज़ uh, मैंने जो देखा है कि जो uh, बेटा होता है वो बहुत ज्यादा बाहर ही दुनिया उसकी बनी हुई होती है और बहुत कम होता है कि उसको घर में क्या चल रहा है उसका डेप्थ uh, में पता हो चीजें जैसे uh, हमें पता होता था कि मम्मी का रूटीन क्या है मम्मी क्या करती हैं या पापा कब आते हैं कब जाते हैं भैया उस रियलिटी से थोड़ा दूर रहते थे क्योंकि भैया घर में ही नहीं रहते थे और अब जब आपकी कहानियां पढ़ती हूँ तो मुझे दिखता है कि आप शायद बहुत रिविजिट करते हो अपने टाइम को और कहीं ना कहीं वो झलकता है कि आपने जो देखा वो आप अपनी कहानियों में डालती हो शायद या जो अब देख रहे हो डालती हो तो आप रियलिटी से तब कितना कनेक्टेड थे या अब जाकर रियलाइजेशन क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ योर अपब्रिंगिंग एंड हाउ मच यू यूर एट होम हाउ मच यू न्यू अबाउट घर में क्या चल रहा है आ, मम्मी पापा से आपका क्या जुड़ाव था कितना जुड़ाव था और आज आपका कैसा है मतलब आर यू स्टिल लाइक यू कीप गोइंग बैक टू योर प्लेसेस रिविजिटिंग देम मेमोरीज या अब आप यहाँ ढल गए हैं मुंबई में

कि कहीं पे भी अगर सड़क पे स्कूटर चलाते हुए पकड़े जाओ हालांकि मैं ट्वेल्थ तक तो मेरे को स्कूटर स्कूटर मिला ही नहीं था उस, तो ये एक खास बात हाँ, तो 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 है और ये बहुत अच्छी जबकि वो दे सकते थे क्योंकि वो हमारे घर में खाली था, था। फिर भी उन्होंने जैसे मेरी बहन इंग्लिश मीडियम में पढ़ी मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा जो जब मैं मुझे याद है बताते थे जो एस होते थे उनके बच्चे कहाँ पढ़ता था भाभी जी बच्चा बोलता है तो वो उन लोग ऑर्ड लगता था क्योंकि किसी के बच्चे देहरादून में पढ़ रहे होते थे किसी के बच्चे कहीं हॉस्टल में होते थे कोई वेलम्स में पढ़ रहा है और आपका बच्चा ओसी एफ मेरे पढ़ा है तो वो उनको लगता था कि अरे दुबे जी कितने कंजूस हैं कि पे पैसे बचा रहे हैं बट <laughs> वो मुझे लगता ना लॉन्ग रन में वो मेरे लिए वर्क किया उस yes. समय मुझे बड़ा रहा। okay. मुझे बड़ा गुस्सा अच्छा लगा कि मेरी तो जैसे मैं जब कोचिंग करने लखनऊ पहुंचा तो जो कंडक्टर वर्ड है ना कंडक्टर ये मुझे हम दोस्त है जौहरी हम विकास जौरी वो हम बैठ के ऐसे सोच रहे हैं कि कंडक्टर क्या होता है हमने पढ़ा है सुचालक हमें दो घंटे का लेक्चर निकल गया हमारे दिमाग से हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि सुचालक ही कंडक्टर है और जब तक हम समझ पाते हो खत्म सब हाँ, कुछ तो है ना तो क्योंकि हम जब वहां पहुंचे तो हल्के एक तो आप नए माहौल में आए वहां पे एक एक दो दो साल तैयारी किए हुए लोग बैठे हैं हाँ। वो महानगर बॉयज के बच्चे हैं लखनऊ में और वो एक इंग्लिश मीडियम के सी के बच्चे हैं सब है तो हमें लगता था हम जैसे ना कि वो डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन की दूरी है लखनऊ हमारे लिए दिल्ली था और दिल्ली हमारा लंदन था और लंदन तो हमारा दूसरा ग्रह था क्या प्यारी बात बोली तो हमें तो लगता था यही कितनी बड़ी चीज है कि लखनऊ में हम आ रहे हैं हम चले जा रहे हैं वो डर लगता है हर बड़ा शहर आपको धक्का देता है पीछे है ना तो आपको फिर फील होता एक, है आपको हाँ में जब थे, हाँ हाँ मेरे को मुंबई आने पे इतना फील नहीं, नहीं। हुआ।, हुआ लेकिन मेरे को जब मैं पहली बार लखनऊ में एग्जैक्ट डेट लोगों को, लोग को मुंबई आने की डेट याद रहती है यहाँ की तो मुझे याद ही याद है लोग नॉर्मली जब मुंबई आते हैं वो डेट सबको याद रहती है हाँ। लेकिन मुझे लखनऊ एग्जैक्ट में जब आया ट्वेल्थ के बाद वहाँ पे तो एग्जैक्टली तीस मई को मैं पहुंचा था रात में नौ बजे और मुझे डर था कल मुझे ये दो उन्नीस अच्छा की मुझे अगले दिन कोचिंग में एडमिशन लेने जाना है और यहाँ पे कैसे होगा वहाँ चार लोगों की लाइन है तो आपको शहर डराता है है ना हमें लगता है जब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब डराता है आप कहते हो तो क्या ये शहर का विशालता है? शहर की विशालता है कि आपका इनसेक्योरिटीज आपकी इनसेक्योरिटीज है इंटीमिडेशन है मतलब नहीं तो शहर की, की तो खैर शहर का तो खैर क्या दिक्कत होगी शहर को जो डराने वाली चीज है वहां के लोग ही तो डराएंगे ना शहर कभी थोड़ी ना आपको बोलता है कि मत तुम तो हमारे यहाँ जो शहर जो बनता है लोगों से तो लोगों का क्या होता है जैसे आप गए कोचिंग में मैं बहुत सिंपल बताता हूँ आप आपने ट्वेल्थ तक कभी तीन लाइन एक साथ इंग्लिश नहीं बोली है ठीक है ज्यादा ही बोला है माई इज दिव्य प्रकाश दुबे आई स्टडी इन क्लास ट्वेल्थ फ्रॉम ओसीएफ इंटर कॉलेज इसके आगे हमें अंग्रेजी नहीं पता क्योंकि हमने पता भी होगी

परसेंटेज बोलता था ना जब तो एक तो हमें परसेंटेज और परसेंटेज की जो दूरी ट्वेल्थ <laughs> तो के बाद तो तो उसने तो लेट हो यहाँ तो क्लास इलेवन से कोचिंग कर रहे हैं हाँ। <laughs> तो आपको उसने पहले डर्रा दिया कि तुम बेटा पंचवर्षीय योजना बना के आओ क्योंकि तब तो बहुत था कि वो चांसेस नहीं थे हाँ। उसने पहले ही आपको ले लिया लेकिन चूंकि उनको पैसे चाहिए होते थे हां और चूंकि आपको पैसे देने और आपको कुछ कर गुजरना है तो आप कहो एक फालतू का टेस्ट लेता था है ना और वो आपको बोलता था हाँ ठीक है और मेहनत करेगा तो नहीं नहीं और वो आपको साथ में जो भी गए हैं भैया तो क्योंकि मेरे अच्छी बात ये है मेरे कभी घर से एडमिशन कराने के लिए मेरे पिताजी कभी भी नहीं गए मैं अच्छा? तो खुद ही जाके पर्टिकुलर पर टू तो बेटे होते हैं क्या बिकॉज बेटियों के साथ तो जाते नहीं, नहीं। हमारे में उसका मेरी बहन जो है मैंने अकेले चलना ट्रेन में क्लास सेवेंथ में मुझे याद है मैंने शुरू किया था मेरी बहन जो पहली बार अकेले गई है वो क्लास फोर्थ में गई है

इनफैक्ट वो उसमें वो ज़्यादा वो जो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आया बस क्योंकि मैं थोड़ा अपनी मदर जैसा था डायरेक्शन हाँ. लेस है ना किसी भी बात मान जाना कभी हाँ. भी कुछ भी हाँ बोल देना उस टाइप का था अच्छा. वो एक सॉफ्टवेयर साइड थी मेरी हाँ. उसकी जो नॉर्मली माओ में होती है वो मेंटेन्ड है हाँ वो मेंटेन्ड है मुझे लगता है कि मैं

जैसे आप जब मिलते हो लोगों से तो जो कोई कमिट करता है कोई और वो चीज नहीं होती है hmm. तो आप ना जीवन के प्रति आपके जबान पे हमेशा एक कड़वाहट रहती है हमें नहीं पता था ना कि ऐसे रुमाल रख के सीट रोकते हैं hmm. है ना हम वो नहीं धक्का दे सकते मैं अभी मैं तो किस्मत अच्छी है कि मैं जब दोबारा आया हूँ यहाँ पे पहले समर ट्रेनिंग में जब आया था तब मैं लोकल लेके जाता था hmm. मैं ना अभी भी धक्का नहीं दे सकता जब भी होता है ना जैसे मैं काउंटर पे भी खड़ा हूँ ना और वहाँ पे तीन लोगों का ऑर्डर है कभी हाँ। ऐसा हुआ तो मैं नहीं कर सकता वो मेरे उसमें नेचर में नहीं है क्योंकि मैं जिन छोटे शहरों में आया तो वो जानता था भैया कौन है पर आप इतने सेल्फ ऑब्जर्वेशन में आप आप कैसे कर पाते हो क्योंकि आप जब कहते हो तो हम भी रिलेट कर पाते हैं पर आप ऑब्जर्व कैसे हैं हाँ, आप आप, आप थर्ड पर्सन अपने को देख रहे होते हो क्या कि आप ग्रो कर मैं एक्चुअली किताबें थोड़ी मैंने ज्यादा पढ़ ली अच्छा ये तो मैं फिलोसफी जब आप पढ़ते हो ना पूरी इंडियन फिलोसफी ना एक चीज पे आके सिमट जाती है और वो है दृष्टा हो जाना मतलब कि इस अपने इस अपने आप को पूरे प्रोसेस से अलग होके देख पाना इससे ज़्यादा इंडियन फिलोसफी में मुझे नहीं लगता है। इससे है क्योंकि इतना वास्ट है कि मेरी समझ के बाहर की चीजें लेकिन मुझे लगा है कि जिस मिनट आप अपने को अलग कर देते हो जैसे आपके हाथ में भी दर्द हो रहा है और आप जिस मिनट अपने आप को उससे अलग कर दो दर्द कम हो जाता है ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए है अभी शुरू हो गया क्या हम लोग आए मैं तो शुरू अच्छा अच्छा फिर से आप पूछो ना फिर वो एडिट में का मुझे तो ही चाहिए <laughs> ऐसा कौन सा काम है इसके लिए वक्त ही वक्त नॉर्मली जैसे ना मेरे कोई पुराने जानने वाले आते हैं दोस्त लोग तो, हाँ. है ना जैसे कॉलेज के या तो मैं उनके लिए कभी भी समय कोई इम्पोर्टेंट काम छोड़ के भी मिलना मुझे बहुत वो मेडिटेटिव लगता है पुराने लोग हाँ, मतलब जैसे मेरे जैसे नॉर्मली ऐसे दोस्त होते हैं ना जिनसे आपकी रोज बात नहीं होती हाँ, बा, लेकिन जब आप मिलते हैं तो रात भर हो जाती है हाँ, तो ऐसे मेरे हैं और मुझे अच्छी बात क्या लगती है कि चूंकि धीरे धीरे जब आप पब्लिक उसमें आते हैं आपका काम जो कि ये बहुत जैसे मैं जो काम करता था टेलीकॉम कंपनी में वो पब्लिक में नहीं आता था वो अंदर ही अंदर रहता था ना वहां पे हम रोज सुन रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं हमें पता रहता था लेकिन अब आपका काम पब्लिक में आता है आप जो किताब लग रहे हैं, आप बिल्कुल एक्सपोज उस पूरी दुनिया में तो मुझे लगता है जब आप होते हो तो जैसे मुझे पता है कि जब मैं किताब लिखूंगा तो बहुत सारे इतने उदाहर हैं लोग कि वो बोलेंगे अरे सर क्या लिखा है मतलब ये तो बिल्कुल प्रेमचंद के आज बस आप ही है ना ऐसे है और लेकिन मुझे लगता है कि आपको ऐसे लोग हमेशा चाहिए जो आपको सही से बताएं कि हाँ ये नहीं है थोड़ा और बेहतर हो सकता था तो ऐसे हैं मेरे दोस्त जो मुझे सही से बताते हैं उनको ये हवा नहीं है कि उनको प्रेशर नहीं है कि मैं साथ किताबें लिख चुका हूँ हाँ। है ना तो मुझे लगता है वो हमेशा लोग बहुत जरूरी है और वो हमेशा वो लोग होते हैं जो आपकी इस दुनिया के बाहर के हैं हाँ। इस दुनिया में भी ऐसे लोग हैं लेकिन हाँ। वो कम है तो मैं नॉर्मली मुझे लगता है मैं उसके लिए हमेशा उनसे मिलने के लिए और उसमें कुछ होना थोड़ी ना कोई काम नहीं है ना ऐसा नहीं है ना कि आज मीटिंग करके कुछ हो जाएगा यहाँ तो कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तो मुझे लगता है उसके लिए हाँ, एजेंडा हाँ, 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 तो वो मुझे बहुत सही लगता है कि कभी भी आप बिना किसी एजेंडा के मिले ये मैं थोड़ा वैसे भी करना चाहता हूँ कि मैं जो लोग मेरे से बहुत लोग मिलने के लिए बोलते रहते हैं मुंबई में यार कि वो भी मैं कर पाऊँ लेकिन वो कभी वैसे नहीं हो पाता क्योंकि हम जब सामने वाले को नहीं जान रहे होते हुँ. तो वो उस ऑ में आता है उसे एक इमेज से मिलने आ रहा होता है जिसको वो सोशल मीडिया पे देख रहा है और वो इमेज ब्रेक हो जाती है मतलब मैं बहुत कम लोगों से मतलब मैं मिलना बहुत लोगों से चाहता हूँ लेकिन मैं और मैं मिलता भी हूँ जैसे मैं जब भी आता हूँ मैं जब भी कैब में बैठूंगा या ऑटो में बैठूंगा मुझे ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट मैं कोई चीज में दिमाग मेरा चल रहा है मुझे उसका उतरते उतरते वो कहाँ से आया है कितने साल से बॉम्बे में है वो क्या कर रहा है मुझे पता रहता है और जब आप जैसे क्या होता है ना जब आप स्टेशन जाते हैं आ, तो आप दो तरीके से जा सकते हैं जब आपको मैं बोलूँगी यार कोई ट्रेन की कहानी लिख दो तो आप क्या रिकॉल करोगे जब आप स्टेशन पे गए थे आपके किसी दोस्त की बात

जब कोई इक्कीस बाईस साल पच्चीस साल तक का कोई बोलता है कि मुझे ना कहानी लिखनी है मुझे वो दिक्कत होती है कि हमें क्योंकि आपका एक्सपीरियंस सर मेरी लाइफ में ना ये हुआ था क्या होगा तुम्हारी लाइफ में ब्रेकअप हुआ होगा पिताजी मारते होंगे माता जी बात नहीं करते होंगे सही से भाई बहन अच्छे से ट्रीट नहीं इससे ज्यादा क्या होगा है ना चलो मैं कह रहा कर और भी बुरी चीजें हो सकती हैं और भी हो सकता है लेकिन वो इसलिए नहीं है कि आप उस पर कहानी लिख दो हम कोई भी इवेंट को ना हम बाद में समझ पाते हैं कि

खोता रहता था वैसा था मैं उस तरीके का हूँ कि जो और दूसरे वो मैंने बहुत बाद में जो कि अब साइकोलॉजी पढ़ने लगा थोड़ी इधर कोर्स वोर्स की तरीके से मैं तो मुझे समझ में आई कि आप अपने हर आदमी ना अपने घर वालों को परेशान करना चाहता है और उनको परेशान करने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को परेशान करें उसके अलावा आप उनको परेशान नहीं कर सकते ना क्योंकि तो आप उनको मार सकते नहीं इतने तो संस्कार हैं ही आपके वो ज़्यादा ईजी है <laughs> तो बहुत ज्यादा लेयर्स है और आ, जब लेकिन, मैं सोच रही तो, लेकिन आप अपने आप को जब परेशान करते हैं डीप डाउन ताकि हम अपनों को परेशान कर पाए हमारे पास और कोई तरीका नहीं है आपके जो कैरेक्टर्स है बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टर उनको बहुत बोल्ड भी बनाती है मतलब ये कहानियों में वो कर जा रहे हैं जो हम सिर्फ सोच रहे हैं hmm. या हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ हम कभी कर पाएंगे क्या ये hmm. हम कभी कर सकते हैं क्या hmm. क्या ये नॉर्मल है क्या ऐसे कर पाना hmm. या ये कैरेक्टर क्या वाकई में है हमारे चारों तरफ hmm. ये नहीं पता चलता hmm. मुझे बहुत सारे आपके अक्टूबर जंक्शन के कैरेक्टर्स ले लो इमन बतूती के hmm. कैरेक्टर्स ले लो hmm. राघव को ले लो या शालू को मतलब शालू शालू है ना शालू बहुत मुझे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर लगी उस हिसाब से एंड ये कैसे आप कहां से इन कैरेक्टर्स को लेकर आ रहे हो क्या आप कैरेक्टर से वो करवाते हो जो आपको लगता है कि अगर कोई फिल्टर ना हो तो ये कैरेक्टर ऐसा कर सकता है और किताबों में पॉसिबल है तो पहली बात तो ये ना कि जिनकी भी मैं कहानी लिख रहा हूं ना वो लोग सच्चे लोग नहीं है कोई भी नहीं है कुछ लोग हैं जैसे स्टार्टिंग में उसमें से एक जैसे अगर वो सच्चे लोग हैं तो जो उनकी कहानी घट रही है वो सच्ची नहीं है मैं उनको अलग सिचुएशन में डाल देता हूँ जैसे जो भी कैरेक्टर्स हैं है हाँ। तो उनको उस सिचुएशन में डाल दूंगा जिसमें वो मैंने उनको नहीं देखा होगा क्योंकि मेरे लिए ना कहानी में तब लिखना शुरू करता हूँ कहानी नहीं पता होती है है ना मुझे <laughs> क्योंकि जब पता होती है ना तो वो लिखने का मजा ही नहीं है जैसे मैं हाँ। जैसे अब हम लोग एक्चुअली उस दौर में है जहां पे हम मैप पे लगाते हैं और हमें पता है कि यहाँ जाने के जो तीन रास्ते हैं यहाँ पे पांच मिनट स्लोअर है ये पांच मिनट फास्टर है और ये हमें हर चीज पता है बट मुझे लगता है एक मिनट के लिए मैप में हटा दू hmm. तो क्या मुझे जहाँ जाना है ना? मैं पहुंचूंगा हाँ मैं पहुंचूंगा और मैं थोड़ा रास्ता ध्यान से देखते हुए जाऊंगा hmm. <laughs> ना हमें हम वो जो लकीर को हम फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से हमें रास्ते याद भी तो नहीं हो रहे ना hmm. उसी वजह से तो हम भटक भी तो नहीं रहे ना hmm. तो मुझे जब मैं किसी कैरेक्टर को लिखता हूँ जैसे शालू अवस्थी नाम की किसी महिला को मैं नहीं जानता शालू अवस्थी अगर मैं किसी पे उंगली रखूँ की ये इनसे इंस्पायर्ड है तो ऐसा नहीं है लेकिन हाँ ऐसे में दस पांच लोगों का वो एक गुत्थम गुत्था आपके दिमाग में बनता है और उससे आप कुछ क्रिएट करते हो कि शालू हस्ती के साथ अगर ऐसा होगा तो हम हमेशा करते ना वॉट इफ इफ वॉट इफ अगर ये हो तो क्या होगा अगर ऐसा हो तो क्या होगा और उस प्रोसेस में मैं जब किताब लिखना शुरू करता हूं तो मुझे नहीं पता होता कि शालू हस्ती सही में है कौन मैं खुद भी नहीं जानता मुझे हल्का सा एक आइडिया होता है कि हाँ ऐसी किसी महिला के साथ मैं बातचीत करना चाहता हूँ ना? या राघव जैसे लड़के के साथ में थोड़ा बातचीत करना चाहता हूं end of the book, जो पहला ड्राफ्ट होता है, तब मैं उनको में आप पूछोगे शालू को अगर वो जाएगी और वो मुंबई में इधर यहां से जो पढ़ रहे यहां से, जो से पांच होटल वो कौन से होटल में कदम रखेगी वो मैं बता दूंगा अपने बारे में लेकिन मैं शालू के बारे में इतना ज्यादा जानता हूँ कि वो पब में यहां बोलेगी कि नहीं यार ये पाँच बजे जाने नहीं मुझे तो ठेले पे खाना है वो इतना एग्जैक्टली exactly मेरे को देखने लगता है वो बाद में तब तक वो पूरी पिक्चर बन जाती है और रियल वो भूत की तरह हो जाते आस पास आपके खड़े हो जाते हैं है ना कि वो वो आप और एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन वो इतना रियल हो जाता है और आपके कैरेक्टर्स बहुत बोल्ड होते हैं एक चीज मेरे को रहेगी जो आपने बीच में पूछा भी था कि वो बोल्ड मूव्स लेते हैं जैसे मैं ये मानता हूँ कि जो काम मैं नहीं कर सकता रियल लाइफ में

कि जब मैं उसको क्रिएट कर रहा था तो मैं भी तो क्रिएट हो रहा था वो मुझे भी तो बना रहा था ना वो चीज वो जो थॉट प्रोसेस है अदरवाइज देखो तो चंदरबा फ्लॉड कैरेक्टर है ना मुझे तो नहीं लगता किसी भी लड़की को ये पसंद आएगा ऐसा लड़का कि जब आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है तो आप छोड़ के चले जाओगे उसमें भी छोड़ के चले गए एक तरफ वहां पर जाके पंद्रह दिन बाद दूसरी, दूसरी बंदी से मिल हाँ। लोगे आप इससे ज्यादा फ्लॉड क्या होगा ये तो कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है बट फिर भी वहां पर वर्क करता है क्यों करता है बताता हूँ क्योंकि चंद्र इसलिए वर्क करता है क्योंकि चंदर वो स्टेप ले पाया जो हम ले नहीं पाते डेली हम सारे लोग फंसे हुए लोग आप, नहीं, नहीं, तो आप, उसका उसका उस, आप ये सोचोग आपको ये बात पता है कि आपका बच्चा इस दुनिया में जिंदा है और उस सच के साथ दस साल तक जीना और इतना प्यार करना उस लड़की से कि उसको ये डिस्टर्ब नहीं करना कि उसका जो झूठ है वो आप नहीं तोड़ना चाहते क्योंकि उसने आपको जो बता रखा है

एक थॉट आने से लेकर एक किताब लिखने तक का आपका क्या कोई प्रोसेस है कोई तरीका है या हर बार वो थॉट आपको ड्राइव करता है एंड एक सेट प्रोसेस होगा जो हर जगह काम करता है बट अदरवाइज बहुत रैंडम और डायनामिक रहता है आपका

कि आज मेरा मूड बड़ा अच्छा है तब मैं लिखूंगा बिल्कुल आज मेरा ये हो जाएगा तब मैं लिखूंगा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लिख पाऊँ डेली डेली हो नहीं पाता लेकिन मैं ऐसे जोड़ता हूँ कि तीन दिन है और मैं ढाई दिन भी लिख पाया तो ठीक है ठीक है वो भी काफ़ी है वर्सेज की मैं पचास दिन का वेट करूँ जब मेरे को इंस्परेशन हो तो वो है लेकिन वो प्रोसेस बहुत फिक्स नहीं है एक चीज़ फिक्स्ड है उस पूरे राइटिंग प्रोसेस में कि जब मैं बैठता हूँ अगर मैं मुसाफिर कैफे से मैं पंद्रह मार्च को लिख रहा हूँ तो पंद्रह मार्च वाली फाइल मैं बनाता हूँ और अगर उसके बाद मैंने अठब बीस मार्च में बैठा तो उस फाइल को मैं कॉपी करता हूँ और उस पर लिखता हूँ मुसाफिर कैफे बीस मार्च तो जब पूरे मैं देखता हूँ उसको छः महीने आठ महीने की जर्नी तो मैं देखता हूँ मैं टोटल चालीस बार बैठा था और इतने इतने दिन बैठा था तो वो मेरा हर किताब का मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड है कि जब मैं बैठा था तो मैंने हज़ार वर्ड लिखे थे कि पाँच लिखे थे कि दो लिखे थे लेकिन मैं कितनी बार बैठा तो अब मुझे अपने बारे में समझ में आया कि टोटल एक किताब ख़त्म करने में मेरे को पैंतीस से लेकर कर पचास सीटिंग लगती हैं आखिरी वाली जो मैंने लिखी उसमें कि तो लिख कुछ नहीं लिख पाया हाँ। उसके बाद फिर मैंने पच्चीस जनवरी को आया exactly घर और फ्राइडे शाम से मैं बैठा और उसके बाद मुझे ढाई तीन दिन याद नहीं है तो मैं सोया जगह मुझे नहीं याद है और 25 जनवरी को शाम को छह बजे वो किताब खत्म हुई थी और उस बीच में मुझे कुछ याद नहीं है वो ट्रांस में था मैं और वो कैसे वो? और इनफैक्ट वो चंद्र सुधा उनके नाम भी नहीं थे उसमें तो मैंने वो कंट्रोल एफ करके चंद्र सुधा वो किया और क्या नाम थे पहले उनके कुछ कैसे था फालतू के कुछ नाम थे मुझे याद भी नहीं है वो पुराने ड्राफ्ट में मिल जाएगा हालांकि और लेकिन वो नहीं था उसमें लेकिन जैसे ही मैंने वो किया ऐसे लगा जैसे तीन लोग यहाँ आके खड़े हो गए और वो लिखवा रहे हैं मेरे से वो लिखवा भी मतलब एक्चुअली क्या ना लिखवाना भी मे एक, एक एफर्ट है वो फ्लो ही अलग लेवल का था वैसा फ्लो ही मुझे हार्डली दो या तीन बार अच्छी हुआ है जैसे आंको बांकों में एक कहानी है शायद पहला पन्ना नाम की जो कहानी है और जिसमें वैसी जिस लाइन से वो शुरू होती है ना कि उन सभी कवियों और शायरों के नाम जो कुत्तों जो कुत्ते की मौत मरे और मरते रहेंगे मेरा जैसा नेचर है मैं ऐसी लाइन नहीं लिख सकता लेकिन वो पता नहीं कैसे आ गया मेरे दिमाग में और मैंने लिखा और वो मैंने वो एडिट नहीं किया कहानी

और ये हर उसके हर साथ, है? साथ नहीं है, नहीं, नहीं जैसे है ना, वो कुछ एक हर होते हैं आपको वो जैसे, हाँ, जैसे अक्टूबर जंक्शन में हाँ, जो भी लिखा होगा मुझे तो उसका तीन लास्ट पेज जो अब वो वहां पे मैंने लिख दिया यहाँ पे आना है एक रात्रा करके ऐसा था अब जैसे मुसाफिर कैफे में जो एंड वाला पार्ट है वो सबसे मैजिकल है उसके पहुंचने के दस साल बाद वाला जब वो मिलता है जाके

कि जो लोग भी अननोन को लेके कंफर्टेबल है ना अननोन चीज अननोन जैसे, जैसे ब्लैंक पेज है आपको नहीं पता ना क्या अच्छा, है okay. इस पेज पे क्या आने वाला है एक घंटे बाद आपको नहीं पता ना न हाँ. जैसे आप यहां से कभी पता नहीं मैं, आप, मैंने बहुत बार किया है बचपन में अपने जैसे मैं निकला और रैंडम चीजें जो पहली बस दिखी बैठ गए जो पहली सूमो दिखी वो चौक जा रही है या निषादगंज जा रही है नहीं पता आप बैठ गए चौक में आप क्या देखोगे आपके हाथ में नहीं है चौक से आप कैसे लौट गए होगे वो शायद आपके हाथ में है हाँ। बट वहां जाके स्टेशन पे आपको क्या दिखेगा चारबाग में आपके हाथ में नहीं है हाँ। तो मैं ना हमेशा उसको लेके बहुत कंफर्टेबल था वो इसलिए भी था क्योंकि मैंने बहुत समय खाली व्यतीत किया है जैसे आप ये देखो ना मेरे इंजीनियरिंग करके जब मैं निकला 22 साल में 21 साल में तब तक मैं चार साल की छुट्टी ले चुका था उसके बाद तक दो साल ट्वेल्थ के बाद हाँ। आप सोचो ना लाइफ में जिन्होंने लगातार कोई गैप नहीं लिया उनको तो चार साल की छुट्टी मिली नहीं है ना तो जो मैं स्लो मोशन में देख पाता हूँ तो कुछ नहीं किया है दुनिया की नजरों में हाँ बर, हाँ, मैंने अपनी और वो भी, हो भी सकता था और नहीं मैं बोलता हूं, जो गैप है ना, वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट साल है कुछ सोच के लेना चाहिए नहीं मुझे लगता है आपको गैप ईयर सोच के लेंगे तो फिर वो गैप ईयर ही नहीं हुआ ना तो आपको हमेशा अगर हो सकता है अपने मोहल्ले का सबसे खराब बैंड शुरू करें हो सकता है शहर का सबसे खराब बैंड आप शुरू करें आप खत्म कर दें इनफैक्ट मैं हमारे जब McKinsey आने वाली थी कॉलेज में जब मैकेम बी एम लोग तो उसमें पूरा उनका आया था तो उसमें लिखा था अगर आपने अपना कोई स्टार्टअप शुरू किया मे मे हैव फेल्ड आपने अपना कोई बैंड शुरू किया तो उसके नंबर्स थे आपने कभी शुरू किया क्योंकि ना शुरू हर कोई नहीं कर सकता है ना और ये भी बात है कि खत्म भी हर कोई नहीं कर सकता है ना पहले तो शुरू ही हजार में से दस लोग शुरू करते हैं उस दस में से एक आदमी पूरा कर पाता है ये तो रेशियो है अगर मोटा मोटा होगा हाँ। लेकिन मुझे लगता है वो शुरू करना बहुत जरूरी है चाहे आपने कोई भी आड़ा तिरछा काम किया है वो हमेशा वर्क करता है लॉन्ग रन में आप देखो ना कोई भी रैंडम चीज आपको जोड़ती है आ, वो एक कोई रैंडम इवेंट आप जिन लोगों से मिलते हो वो बहुत रैंडम है आप याद करो जो आपके बेस्ट ऑफ द फ्रेंड है उनसे आप रैंडमली मिलोगे आपने प्लान नहीं किया बनेगा इवेंचुअली जो आपके मेंटर्स हैं वो आपके रैंडम मिले होंगे आपको आप आप तो शायद आप करते हो कि इनसे मुझे मिलना है आप तो चलो एक लेवल आप जन्मों के ट्रेवल में एक लेवल आगे चल रहे हो हम लोगों से है ना लेकिन हम लोग जो आम लोग हैं वो एक लेवल पीछे हैं कि आप देखो ना कि आपको कब कौन रैंडमली मिल जाएगा आपको नहीं पता और वही लोग आपकी जिंदगी हमेशा वो लोग शेप करेंगे जो आपको रैंडमली मिलेंगे इसीलिए मुझे हाँ। कई बार मन करता है कि मैं ये विश्वास करूं कि शायद कोई है जो है डिजाइन कर रहा है ये सरेंडर का, आ, हाँ, एक फॉर्म है। हाँ, सरेंडर का का एक एक फॉर्म फॉर्म है है और मैंने मैं बता रहा हूँ जो सरेंडर है वो इतनी बड़ी चीज है सरेंडर है कर देना लाइफ के प्रति बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ी चीज है क्योंकि मुझे ना हमेशा अपनी माता जी से रश हुआ है कि मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था और उनके लिए बहुत आसान थी ये बात कि वो जाती थी मंदिर में बैठ के और उन्होंने कहा चलो अच्छा आज मैं ज्यादा राम राम लिख लेंगे और ये हो जाएगा उनको विश्वास ना हो जाएगा है ना कि कभी इसका कुछ अच्छा हो जाएगा उनको भी विश्वास था कि ऐसा हो जाएगा और मैं जितना उनको भगवान पे विश्वास था या है उतना मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है मुझे इस बात की जलन है कि ये नहीं है मुझे और मुझे लगता है 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 बहुत बड़ी बात आई एम श्योर जो औरतों की जिंदगी उसमें सरेंडर एज अ कोपिंग मेकेनिज्म आता है हाँ। वो कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है कि हमारी सोसाइटी में काम बड़ा अच्छा हो रहा है लेकिन फिर भी मुझे लगता है सरेंडर बहुत बड़ी चीज है क्योंकि मुझे हमेशा उस औरत पे ज्यादा रिस्पेक्ट है जो भले दिन भर घर में अपनी सास से गाली खाती है और वो जासूसी किताबें पढ़ के अपनी सास को मारने का प्लान बनाती है है ना मुझे उस, उसको भी बहुत मैं करता हूँ आज बहुत ज्यादा घबराहट है लोगों को छुट्टी लेने में नींद पूरी करने में या तो अब वो लोग कैसे अपने आप को मतलब क्या और कोई फास्टर प्रोसेस है समझने के लिए कि आप क्या आगे करना चाहते हो अगर कोई लेखन में जाना भी चाहता है तो किस कौन है जो कहानी नहीं लिख पाते या कहानीकार नहीं बन पाते या जो इस में आने से डरते हैं क्या डाउट से उनके, उनके लिए आपके पास में कुछ है मैं के, के एक चीज बताता हूँ आपको कुछ भी करना है कम कर से कम तो हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पे ना बहुत छुट्टियां मिलती हैं अगर आप नौकरी में है तो ना? बहुत छुट्टियां अगर आप ऐसी जगह नौकरी में है जहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ है तो साल भर में एक सौ चार दिन हो गए बावन हफ्ते में एक सौ चार दिन तक छुट्टी दिवाली होली ये वो पूरा मिला के है ना पच्चीस दिन और, और उसके अलावा मेडिकल लीव पारा तेरा तो डेढ़ कैलकुलेशन तो हाँ मैं और मैंने कैलकुलेशन पहले से की हुई थी मेरे दिमाग में क्लियर था कि ये कैसे गया तो आपको डेढ़ दिन की तो छुट्टी है चलो मैं कह रहा हूँ डेढ़ दिन नहीं है तो, आप तो, कह रहे हो चलो किसी पे एक सौ ही होंगी छुट्टियाँ संडे होगा किसी का सैटरडे नहीं होगा मान लो बावन दिन है प्लस अस्सी बट पचहत्तर दिन की छुट्टी तो किसी की भी है बाई डिजाइन हम लोग इतना त्योहार प्रधान देश है कुछ हो गया मेडिकल तो मतलब भर तो में तो, 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 आ आ, तो, तो बारह महीने से बारह महीने से तीन महीने हर किसी की छुट्टी है ठीक है ना ठीक है उसमें चलो कोई आपका घूमने का मन है क्योंकि अगर आप इस तरीके के ट्रैप में फंसे हुए हो तो ऐसा तो है नहीं कि हर हफ्ते बड़ा घूमने ही जा रहे हो हाँ। है ना ऐसा भी नहीं है क्योंकि आप जैसे तो नहीं घूमने है ना आप हटा दो चार लोगों की शादी पड़ गई फिर भी आपके पास साठ दिन ऐसे हैं जहाँ पे आपको कुछ अचीव करना है आपको गिटार भी सीखना है तो साठ दिन बेसिक आप सीख जाओगे आपको कुछ करना है मुझे लगता है ना हम लोग ना अपने समय को इस नजर से देखते नहीं है कि समय है हम क्या है हम, हम क्या होते हैं हम फ्राइडे आते हैं जैसे मेरे को लगता है एक चीज जो मेरे केस में वर्क की और जब मैं इतनी लंबी नौकरी कर पाया तो मैं जब फ्राइडे आता था तो मैं बटन मन में एक बटन दबाता था कि अब मैं प्रोडक्ट मैनेजर मार्केटिंग नहीं हूं अब मैं एक लेखक हूँ जो भी मुझे लगता है कि यूपीएससी में जो लोग भी बनते हैं अधिकारी वो पहले से मान चुके होते हैं कि वो अधिकारी है इट इज ओनली द डिक्लेशन विच है ना मैं तो कह रहा हूँ जो लिखना चाहता है वो एक घंटा कुछ ना करे ना ब्लैंक स्क्रीन को बस निहारे वो भी बहुत बड़ा काम है खाली रजिस्टर को ऐसे देखें ऐसा ना तो भी बहुत आप लेकिन एक घंटे फिर कुछ और ना देखें उसको समझ लें कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है जिनसे आप प्यार करते हैं और बस आप देखें उनको नहीं वाला खेल खेलते हैं हर बार आदमी प्यार में होता है तो कि पलक कौन देर में झपकाएगा ये खेल अभी भी चल रहे होंगे मार्केट में मुझे पूरा विश्वास है <laughs> लेकिन हम हम बहुत दूर आ चुके हैं नहीं फिर भी चल रहे होंगे मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा दुनिया में कुछ बदला है किसी और तरीके से चल रहा होगा तो हाँ। बट उस तरीके का से कुछ हो गया। कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जहाँ पे एक घंटे आप वो काम करते होंगे हुँ। तो ऐसे देखें तो वो भी वो प्रैक्टिस है आपकी डेली की क्योंकि आप ना हमेशा जैसे मुझे लगता है कि अगर आपको रिलेटेड कोई वर्कशॉप होती है कुछ ऐसे इवेंट्स में जा सकते हैं फेस्ट में कुछ लोगों को सुनना सकते हैं कोई एक बात आपको चमक के ऐसा ना आपकी दिशा बदल देगी वो है ना तो लेकिन आपकी दिशा तब बदलेगी ना जब आप उसको लेके खुले हुए होंगे इसीलिए अगर आपको लेटेस्ट आप नवी जाए तो यूट्यूब पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है अब मैं हमेशा जब मैं शुरू शुरू में बहुत वो मुझे नहीं लगता है कि जब गुलदार साहब का कोई ऐसा यूट्यूब पे इंटरव्यू होगा जो मैंने नहीं देखा होगा कोई ऐसा इंटरव्यू होगा एक समय में प्रसून जोशी का कि जो मैंने नहीं देखा होगा जावेद साहब का ऐसा कुछ ऐसा कोई भी वीडियो होगा जो मैंने नहीं देखा होगा तो वो जो भी उनका ज्ञान है वो उन्होंने दे रखा है है ना या जैसे अगर मान लो मैं नहीं भी कर पाता हूँ तो एक मास्टर क्लास करके आता है तो एरन सोकिन से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ तो उनके मैंने सारे वीडियो जितने हैं उपस्थित वो सब देखे हुए हैं और देख के केवल देखे नहीं है वो जैसे क्या होता है एक हम अखबार पढ़ते हैं है ना रीडिंग होता है और एक स्टडिंग होता है तो जब आप सीरियस हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ का इम्तहान देना है तब तो आपके अंदर वो आएगा जब तो आप उसके नोट्स बनाएंगे आप काट के रखेंगे जैसे मैं कभी सोच रहा ना कि कहानी कहाँ से आती है मेरे पास अभी भी शॉर्ट स्टोरी के कम से कम सत्तर लिखे होंगे मैंने वन लाइन अपने मोबाइल में आठ सौ नोट्स हैं मेरे है ना तो मुझे सोच जब मैं बैठता हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे कौन सी कहानी लिखनी है मुझे को पता है वो आठ में से कोई भी एक उठाने लिख देनी है क्योंकि मैंने कभी सोच के लिखा है ना कि मैं इस पर लिखूंगा हो सकता है उस दिन का लिखा हुआ वेस्ट हो जाए तो आपको वो ट्रेन करना पड़ेगा एक तरीके से ना क्रिकेट की ट्रेनिंग जैसा है कि आप जब आप जीरो पे आउट होंगे आप आ, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि तेंदुलकर ने केवल सेंचुरी ही बनाई है वो जीरो पे भी तो आउट हुए पांच रन पे भी तो आउट हुए तो वैसे ही आपको ब्लैंक स्क्रीन रोज देखनी है हो सकता है किसी दिन चार लाइन लिखें किसी दिन पांच लिखें किसी दिन हो सकता है चार वर्ड लिख लें फिर एक महीने तक कुछ ना लिख पाए बट इंपॉर्टेंट चार सौ दो सौ वर्ड नहीं इंपॉर्टेंट यह है कि आप कितने दिन तक उस दर्द के लिए तैयार है उस स्ट्रगल के लिए तैयार है जैसे इस देश में घटिया से घटिया इंजीनियर बनने के लिए चार साल की इंजीनियरिंग और एक साल की कोचिंग जरूरी है घटिया से घटिया डॉक्टर बनने के लिए आठ दस साल पढ़ाई ज़रूरी है घटिया से घटिया एमबीए बनने के लिए दो साल का पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरी है तो एक राइटर बनने के लिए आपको चार पाँच साल दोगे कि नहीं दोगे आप मिनिमम है ना वो तो जब इंजीनियर बीस लाख बन रहे हैं पच्चीस लाख बन रहे हैं इस देश में राइटर तो मुझे नहीं लग रहा बीस लाख बन रहे हैं सर तो थोड़ा यूनिक भी हो गया वो थोड़ा अनिश भी हो गया तो कुछ तो समय ज्यादा देना पड़ेगा और किसी भी फील्ड में जैसे ग्यारह लोग जो इंड, इंडियन क्रिकेट टीम में आते हैं उन वो समय देते होंगे ना वो वेट नहीं करते ना कि नहीं नहीं आज मूड होगा तो क्रिकेट खेलूंगा वो राइटिंग भी वैसी राइटिंग को ऐसी बहुत आड़ी तिरछी चीज आड़ी तिरछी चीज नहीं है किसी भी चीज के लिए है और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आप अच्छे हो देखिए अच्छा राइटर होना ना अच्छा लेखक होना ये आप अपनी लाइफ टाइम में नहीं जान पाएंगे कि आप अच्छे राइटर थे कि नहीं थे उसके लिए मरना पड़ेगा क्योंकि आपके जाने के बाद ही वो हो पाएगा कि आपका इम्पैक्ट क्या है एक हमारे मित्र हैं जो इक्सिगो में कंटेंट को हेड करते के जो भी मार्केटिंग वो आता है वीडियो बहुत शानदार आता है आइडिया बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टाइप्स होता है तो उनसे जब पूछा गया कि ये कैसे हर बार कैसे पॉसिबल है क्या आपने जो ये वाला वीडियो बनाया वो भी आ, उतना ही अच्छा था तो कि मैंने प्रोसेस सेट कर रखा है आउटकम पे मेरा ध्यान ही नहीं है मुझे पता है कि मुझे इतने लोगों के साथ ब्रेन करना है तो करना ही है।, है।, है दो घंटा इस पर डिस्कशन करना है तो प्रोसेस सेट है तो मैं सॉटू और ये चीज अब जाकर अभी भी मेरा प्रोसेस सेट नहीं है कई चीजों को लेकर

कि आप कर्न करो फल की चिंता मत करो है ना मेरे को कई साल तक मैसे बता रहा हूँ इंजीनियरिंग उसके बाद अभी चार साल पहले तक भी बिना फल के हम काम ही क्यों करें लॉजिक उसका रिवर्स लॉजिक ही था ना कि मैं बिना फल के क्यों करूँगा जब मुझे अब मान लो मैं खेलूंगा ही क्यों जब मेरा कुछ मुझे आगे मेरा वो नहीं है कि मुझे मिलेगा मैं इंजीनियरिंग की तैयारी क्यों करूंगा जब मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसका मेरे है ना मेरे को लगा इससे बड़ी क्या खराब बात हो सकती है हर जगह लगा रहता था वो ऐसा करके वो करके मैं सही बता रहा हूँ एक दिन मेरे को ऐसे बिजली चमकती है ना तो मैं और एक मेरा दोस्त है हम लोग लिखते हैं तो हम लिखते हैं तो लिखते लिखते हमें क्या हुआ हम कुछ लिख रहे थे कुछ था और वो लिख रहे थे लिख रहे थे और हम डेली बैठ के वो लिख रहे थे उसमें डेली लिखते हैं है ना कि डेली वो बैठ के वो एक समय पर फिक्स समय वो करते हैं और वो लिखते लिखते, लिखते एकदम से बिजली चमकी मैंने कहा यार वो मुक्तेश के साथ में देखता हूँ मुक्तेश ने ना मुक्तेश ये बनेगा नहीं बनेगा इसका कुछ आगे होगा या नहीं होगा

हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे क्योंकि आप एक ऐसी बात कहना चाह रहे हो कि शायद ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो कुछ दुनिया बदल जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा लेकिन वो मैं बता रहा हूँ वो भी बोनस वो आपके हाथ में नहीं है वो किताब की किस्मत टाइमिंग बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं आज जो बैठ के लिखूं इबन अतूती का वो चिट्ठी वो मैं मज़े से लिख रहा हूँ तो मेरा काम वही ख़त्म हो गया उसके बाद से सब कुछ बोनस है और ये मेरे को जब चमका तो मुझे समझ में आया कि मैं कितना बेवकूफ था कि मुझे इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही थी लेकिन वही होता है कि जो आपको सेम दुनिया में सब कुछ आसपास से निकल रहा है लेकिन कई बार वो नजर किसी दिन जाती है उस पे। और तब आपको समझ आता है कर्म ही फल है इत... रैंडम मोमेंट में हाँ, और कर्म ही फल है इतनी मामूली सी लाइन है बट अब मैं इस लाइन पे बिलीव करता हूँ मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात मैंने डिस्कवर नहीं की पिछले चार पांच सालों में एज ए राइटर आपका सबसे बड़ा डर क्या है मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि मेरी ना यादाश्त चली जाएगी अः मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूल जाऊंगा और मैं च्या? कई बार मैं कुछ भी भूल जाऊंगा कि जैसे ना मैं जो अभी जैसे मैं टच टचवुड अभी तक आ, जब भी लिखने बैठता हूँ तो ऐसा हार्डली हुआ एक दो बार कि मैं उस दिन लिख नहीं पाया है ना मुझे लगता है वो जो एक मेरे पास जादू है जो जादू का मेथड भी मुझे नहीं पता वो जादू ना खो जाए क्योंकि मैं अल्टीमेटली किस काम में हूं मैं ना एक गिफ्ट रैप कर रहा हूं उसके लिए किसके लिए मुझे ये भी नहीं पता लेकिन मैं गिफ्ट रैप कर रहा हूँ कि किसी दिन कोई खोलता है वो किताब और मैंने जो गिफ्ट रैप किया वो देख के खुश होता है कि यार मेरे लिए इन्होंने क्या सही चीज़ छोड़ी है ना मुझे लगता है कि मैं गिफ्ट रैप करना ना भूल जाऊँ और वो भूलना इसलिए मुझे उस बात का डर है कि ये जो जादू है ये जो मैजिक है वो ना खो जाए किस दिन ऐसा हो कि आ ही नहीं रहा कुछ तो और वो यादाश्त का डर इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं मानता हूँ इमेजिनेशन भी जो है ना जो चीज मैंने कहा मैं शालू किसी महिला से मिला नहीं हूँ नहीं, 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 तो लेकिन, लेकिन मुझे से मैंने बनाया होगा वो पांच लोग का रेफरेंस दिमाग से जाए एक सवाल मुझे पूछना है क्योंकि दूसरा सवाल पूछना था पर मैं अटक गया यहाँ पर जब आप कहते हो कि आप 40 सिटिंग में या 60 सिटिंग में लिखते हो कोई कहानी नोवेल तो

तो डायरेक्शन बस मोटा मोटा पता रहता है कि हाँ ये इस तरीके का एक दो लाइन लिख के छोड़ देता हूँ भूल जाता हूँ सुबह अब शुरू किया रात रात को क्या में मैं सो जाता हूँ साढ़े नौ बजे सोने वाला इंसान हो गया इसीलिए मैं पार्टीज में नहीं जा पाता बहुत सारी ओके okay. साढ़े नौ जाता हूँ क्योंकि मुझे सुबह सात बजे अपने बच्चे को तैयार भी करना रहता है सुबह रहता है तो मैं बहुत अब जो पुराने जमाने के जो सात्विक स्टाइल था सुबह उठो अपना आ, बीच में सूर्य नमस्कार भी शुरू किया था मैंने ऑन एंड ऑफ होता रहता है तो वो मुझे लगता है कि वो अप्रोच है करना चाहिए और मैं बिल्कुल फिक्स टाइम में आ, कि समय समय बजे के बाद बाद होता है है सुबह का उसके आ भी रहा है, तो मैं इसलिए रुक जाता हूं कि फिर वो कल मैं मुझे जल्दी नहीं है ना क्योंकि मेरे को ये प्रेशर नहीं मैं डेली लिख रहा हूँ ना पहले मैं लिखता था ना जैसे पंद्रह दिन केवल दो महीने में पंद्रह दिन तो प्रेशर था हफ्ते भर में किताब खत्म करिए मुझे लगता है वो मैं पार कर गया डर मुझे वो जल्दी नहीं है जल्दी नहीं है Uh, कई लोग हैं जो कविताएं लिखते हैं आप कविताएं लिखते थे फिर आप कहानियों में अब आप ज्यादातर कहानियां लिखते हैं uh, कई लोग हैं जो कविताएं लिखते हैं और ऐसे ही कहानी लिखने की कोशिश करते हैं लिखना चाहते हैं तो जो नहीं लिख पाते वो क्यों नहीं लिख पाते हैं? और कहाँ अटक जाते <laughs> उनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरी वर्कशॉप नहीं की होगी <laughs> <laughs> ले, ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना जैसे मैं ये मानता हूँ कि कविता भी कोई भी लिख सकता है और कहानी भी कोई भी लिख सकता है बात यह है कि अच्छी खराब है वो अलग मुद्दा है है ना लेकिन लिख तो हर कोई सकता है है ना थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा के कोई भी लिख सकता है तो जो नहीं लिख रहे हैं नहीं लिख रहे तो नहीं, नहीं, अच्छा लिखने की कोशिश नहीं लिख रहे हैं मुझे लगता है ना जो भी नहीं लिख पा रहे हो कि कई लोगों की अलग अलग वजह हो सकता है आप ऐसे मेंटल स्पेस में ना हो कि आप लिख पाए सकता है लाइफ में कुछ ऐसा जा रहा हो घर में कोई बहुत बीमार हो

जैसे घर में मेहमान आ गया आपके लिखने के वक्त ही तो क्या आप इतने हो कि आप लिखोगे ही या नहीं, मैं, ऐसे मैं 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 ऐसे नॉर्मली मुझे पता रहता है ना कौन आ रहा है ऐसा रैंडम लोग नहीं है ना लखनऊ का मोहल्ला नहीं है ना कोई भी आ जाएगा तो एक तो पहले वो है दूसरे मेरा लगभग फोन बंद रहता है उस समय जब मैं होता हूँ मुझे लगता है नहीं लिख पाने की और हजार वजह हो सकती है लेकिन अगर आप बैठ रहे हो और फिर नहीं लिख पा रहे हो तो भी छह आठ महीने देना चाहिए आपको उस प्रोसेस और फिर अगर नहीं हो रहा है तो फिर हो सकता है वो आपके लिए ना भी हो ना जरूरी नहीं है ना कि हर कोई लिखी लिखने के लिए बनाओ कई बार हम लोग जैसे हम मुझे लगता है कि कई सारे लोग इनामर्ड होते हैं देख के कि अरे लिख के हिंदी में लिख के भी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं आपको पोएम बोलते हुए देख के कितने लोग इंस्पायर होते होंगे उनको भी लगता होगा जैसे हम लोग होते थे गुलजार साहब को देख के हम भी फूल पत्ती चांद सितारे वाली ऐसी लाइन लिख देंगे कि सब सेट हो जाएगा लेकिन बाद में रियलाइज हुआ ना कि नहीं गुलजार साहब अगर बीड़ी भी जला रहे हैं तो उस बीड़ी में एक स्वैग है

इनफैक्ट मैंने पीयूष मिश्रा जी को मेरी थोड़ी बहुत जब जान पहचान हुई थी तो मैंने सोचा कि ये इतने लर्नड हैं और इतना इंस्पायर्ड है तो मैंने उनको मैसेज किया मैंने कहा सर प्लीज बता दीजिए कि कि मिक्स वेज रखो कि तो तो मिक्स वेज वेज मसाला चाय तो उनका जवाब आया रखो ठीक है अब मेरे पे और प्रेशर तो फिर बाद में फिर फाइनली वो मसाला चाय पे क्योंकि मसाला चाय में ना एक वो ऐसा उस समय मसाला टी आज से दस साल ग्यारह नौ साल पहले ना मसाला लिखना हिंदी किताब में थोड़ा लगा कि मिर्च मसाला लगा रहे हो आप तो बट फिर मुझे और मेरा एक बार स्ट्रांग बिलीव है कि अगर आपको साउंड सही लग रहा है जैसे मोगैम्बो साउंड अच्छा है तो वो चीज़ सही होती है हमेशा मेरा इसमें पूरा विश्वास है कि जो आवाज है वो भगवान होती है तो अगर आवाज़ सही आ रही है आपको मन में सही आ रही है जैसे इब्ने बतूती जो है नाम इब्ने बतूती साउंड बहुत अच्छा है लेकिन वो वर्ड ग्रामेटिकली गलत है तो मुझे लगा कि नहीं मेरे को ना साउंड सही है तो ग्रामर वामर तो इंसान ने बनाई है ना आवाज कहीं ऊपर से बनी हुई है तो, तो मुझे लगा कि वो हम उसको सुपर कर जाएंगे और नॉर्मली मैं ऐसा नाम रखना चाहता हूँ जो सिंपल और इजीली याद हो जाए और येट हवा में तैरता हुआ नाम हो जैसे अक्टूबर जंक्शन अक्टूबर हर कोई बोलता है और जंक्शन चाहे मुगल सराय हो चाहे कोई भी हो चाहे तो जंक्शन भी सुना हुआ नाम तो उन दो को मैच कर देता हूँ और ये बाद मोस्टली बाद में होता है हाँ, मोस्टली एक जैसे के लागू का पहले मुझे पता था, बाकी कोई भी नाम मुझे आंखों में भी मुझे पता था कि शायद नाम पहले ही होगा हाँ. आंखों बाको मैंने बहुत पहले लिख लिया था क्योंकि मेरी वो घर पे वो एक ना. जब नजर उतारी जाती थी तो बोला जाता था तो मुझे वो साउंड बहुत सही लगता है अच्छा है ना तो कुछ भी नाम रख सकता हूँ बहुत प्यारी बात बोले वो मुझे वही सच है उसका

जो होती है किताबों के केस में ऐसे वो लोग खास हैं जीवन में लेकिन किताब के मुझे नहीं 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 जवाबर है थिंक मैं हाँ, तो हाँ, और, और सबसे सीरियसली उनकी बात सुनता हूँ तो और उनकी वजह से ही मैं लेखक भी बन पाया कहीं ना कहीं शुरू में वो कहते थे हाँ कोई बात नहीं आप अच्छा नहीं लिख रहे हैं लेकिन आपके टॉपिक बड़े सही है तो इस तरह तो वो मुझे लगता है उन्होंने इतना इंस्पायर किया मुझे और वो और इनका जब भी मैंने देखा ना कई बार फिफ्टी परसेंट टाइम अब ऐसा होने लगा कि उनका जो फीडबैक होता है बाद में किताब छपने के बाद में ना आपको गलती दिखना शुरू हो जाती है इसलिए मैं अपनी किताबें इतनी पास से कभी नहीं देखता जितनी यहाँ पे रखी हुई है क्योंकि तो मैं ऐसे खोलूंगा ना ऐसे ये पढ़ना और यहाँ पे मुझे मालूम है कि क्या गलती है है ना गलती मतलब हाँ, स्पेलिंग एरर नहीं बट मुझे मालूम है कि और अच्छे से हो सकता था तो मैं अपनी किताब कभी दोबारा नहीं पढ़ी मैंने लेकिन वो छपते ही समझ में सम आता है कि अरे यार वो मनीष सही बोल रहे थे गड़बड़ हो गया लेकिन चैलेंज क्या है जीवन में कि पहली किताब दोबारा तो छप नहीं सकती गलती तो हो गई तो हो गई आई एम श्योर कुछ एक जगह ऐसा है कि मैं कुछ बदलना चाहू और मैंने देखा पहले भी हरवेंश राय बच्चन की जब मैंने बायोग्राफी पढ़ी थी तो उन्होंने भी बदले हैं बाद में किताबों में कुछ चीजें पोएम्स बदली हैं अपनी बाद में जाकर अच्छा, हाँ 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 बदला है उन्होंने तो मुझे लगता है वो शायद अभी मैं लेवल अचीव नहीं कर पाया हूँ कि मैं उसको दोबारा चेंज करूँ बट बहुत माइनर चीजें हैं वो बहुत ज्यादा तो आप बदल नहीं सकते दिव्य प्रकाश दुबे क्या करना चाहते हैं असल में जो अभी नहीं कर पाया तो मैं चाहता हूँ बलिया में बैठा लड़का है कोई भोपाल में है कोई बरेली में है कोई मुरादाबाद में है। वो कमर्शियल हिंदी में काम करने के लिए उसको मुंबई आना जरूरी ना हो ये मैं अचीव करना चाहता हूँ जो आई एम श्योर मेरा लॉन्ग रन में प्लान है कि कि वो लोग वहां से रह के ही जैसे लोग वहां पे मान लीजिए आज लखनऊ में कोई बैंक में काम करता है सुबह तैयार होकर जाता होगा कोई शेयर मार्केट करता है साढ़े नौ जिन हाथ धो के पूजा करके बैठते हैं लोग वो लखनऊ से ही वो बरेली से ही वो शाहजहाँपुर से ही अपना राइटिंग का काम कर पाए उसको आने की ज़रूरत ना हो और वहाँ पर वो इतना कमा रहा हो इतना रिस्पेक्टेबल हो कि कोई नॉर्मल नौकरी जो उसको देती या बड़ी नौकरी जो देती वो धीरे धीरे उससे अपनी बाकी तो उसकी अपनी जर्नी है वो मैं अचीव करना चाहता हूँ मुझे एग्जैक्ट उसका मॉडल भी थोड़ा बहुत पता है लेकिन वो कैसे होगा और कब होगा ये मुझे नहीं पता कुछ लोगों के केस में हुआ है अभी तक बट वो मैं वो पावर हाउस बनने का सपना देखता हूँ और सपना इसीलिए मैं उसको सपने के टर्म में नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर शुरू वाली बात मेरी उल्टी हो जाएगी लेकिन मैं मुझे मालूम ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है ये हाँ। है हवा में तैर होना है। चाहिए हाँ, ये ऐसा हवा में तैर रहा है क्योंकि क्योंकि आधा जीवन में स्ट्रगल क्या हो जाता है कि मुंबई आके सर्वाइव कैसे करेंगे आपका अगर वो स्ट्रगल हटा दे कोई कि आपका वही काम चल रहा है और और जरूरी नहीं है मुंबई खिलौती वो जगह अब नहीं बची है अभी इतना रीजनल काम हो रहा है इतना कुछ हो रहा है कि आप कहीं पे भी आप कमर्शियल राइटिंग कर सकते हो वो अगर मैं कर पाया तो आपका बेसिक स्ट्रगल हट गया जहां आप रह रहे हो हुँ, हुँ. और बड़े शहर को हटा दो तो रहने का खर्चा और खाने का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है हुँ. है ना तो वो अगर हो गया तो आप सॉर्टेड हो ना जीवन में और आप बड़े हक से बताओ जैसे एक जो हिंदी का सबसे पुराना मजाक है कि अरे लिखते हो और लि... हाँ ये लिखते हैं फलाने लिखते हैं ठीक है लेकिन करते क्या है मैं ना एक्चुअली इस मजाक को इस धरती से हिटा देना चाहता हूँ लिखते हैं और बस लिखते हैं बस मेरा एक ही है एम्बिशन है इसको कह लीजिए कि वो काफी हो क्या लिखते हैं जी काफी है? काफी हो आ, फिल्म्स के लिए लिखा आपने ओटीटी के लिए लिखा मजा किस में आया ज्यादा या आगे ज्यादा क्या करना चाहते हो एज ए राइटर आपको आपकी ग्रोथ आपको कहाँ लगती है मुझे लगता है ना सब कुछ ये बहुत ना एक दूसरे को सिखाता है जब आप फिल्म के लिए सीन कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं वो जब आप नॉवल लिखते हैं तो वो बहुत हेल्प करता है है ना और जब आप उसमें सीन लिखते समय डायलॉग लिख रहे होते हैं वो आपको ऑडियो शो बनाने में बहुत जो आपने मेहनत की है वो वहां हेल्प आती है तो एक्चुअली एक दूसरे से मीडियम अलग हाँ. नहीं है लेकिन आप सही में पूछो कि जो किसी भी लेखक के लिए जो सबसे बड़ी चीज है ना जो लेखक जो कहलाता है अपने आप को किताब में बस एक बहुत बड़ा फायदा है जो किसी और मीडियम में नहीं है क्योंकि किताब के हीरो हीरोइन आइटम सॉन्ग विलेन सिचुएशन सब कुछ आप हैं बाकी और जितने भी मीडियम है वहां पे आप किसी और के लिए कुछ तैयार कर रहे हैं क्या किस के लिखना है? कोई मुश्किल हो किस जो तरीके किताबें लिखना नहीं, नहीं, वो तो मुझे नहीं मालूम तरीके की लेकिन मुझे हमेशा एक चीज जो मुझे लगता है हमेशा किताबों में जो चीज मैं चाहता हूँ कि, कि थोड़ी सी ना आगे की बात कर पाए जैसे जो थीम वाइज ना मैं बड़ी थीम चूज करना चाहता हूँ जैसे कि चाहे वो इब्ने बतूती हो या कोई भी जैसे मुसाफिर कैफे में भी जो बात थी अपने समय से थोड़ा सा शायद ऑलरेडी तो हाँ तो वो तो मुझे लगता है कि वही चीज मैं अचीव कर लू सही से तो वो मैं आ, वो भी अभी सही सही, सही सही से नहीं मैं पकड़ पाया हूँ उसको तो वो मुझे लगता है और दूसरे एक जो मैं बड़ी किताब लिखना चाहता हूँ पता नहीं मुझे लगता है कब होगी लेकिन जैसे एपिक जो होता है ना कि हजार वर्ड सात वर्ड की किताब वो मैं लिखना चाहता हूँ वो मैंने एज अ चैलेंज लिया है कि मैं लिखूंगा तो अब देखते हैं कितने साल में होता है और उसका कोई टाइमलाइन नहीं रखा है मैंने Okay. तो वो मैं करना चाहता हूँ बड़ा एक चाहे वो मैं खुद अकेला ही पढ़ू में लेकिन वो मैं करना चाहता हूँ हाँ, तो कि जो अगली, जो अगली किताब आएगी सबसे मोटी किताब होगी तो धीरे अच्छा धीरे किताबों प्रैक्टिस कर रहा बढ़ मैं तैयारी चल रही है तैयारी चल रही है अभी तो बस शॉर्ट स्टोरी इसलिए लिखता है ना इसलिए मैं अब ना बहुत इंटरचेंजेबली शॉर्ट स्टोरी और लिखना चाहता हूँ क्योंकि शॉर्ट स्टोरी में आप ना वो फिर से वो क्राफ्ट को अपने क्योंकि दो चार दिन लिखा

फिर आप सोचते जो वो बिकती नहीं कि बिक क्यों नहीं क्योंकि तुमने वो रॉ मटेरियल में मेहनत ही नहीं किया ना हाँ। दुनिया में अगर आपको दो सौ रुपये खर्च कर रहा है तो उसको कोई नई चीज दो ना आप वो उठाया हुआ माल मत दो जो हाँ। आप सोशल मीडिया पे अदरवाइज भी लिख रहे थे <laughs> वैसे मेरे सवाल खत्म हो गए थे पर अब क्योंकि इस मोड पर खत्म हो रहा है तो मुझे वो पूछना है कि किताब लिखने की या इस दुनिया की इसका डार्क साइड क्या है जो लोगों को नहीं दिखता वो एंटर नहीं करते इसमें कमर्शियल वाइज या लाइफ वाइज या आ, किसी भी तरीके से जो आपने एक्सपीरियंस की बहुत डिसएडवांटेज है, है कि पहले तो आप जब किताब लिखते हो ना तो बहुत सारे लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि वो इंटेलेक्चुअल है वो समाज को टॉर्च दिखा रहे हैं वो आगे लेके जाएंगे अच्छा है ना और होता क्या है हर कोई जब किताब आती है और लगभग है, मेरे को एग्जैक्ट मैं परसेंटेज नहीं बताऊंगा लेकिन लगभग निन्यानवे प्रतिशत किताबें नहीं बिकती है ना आप सोचिए कितना रिस्की गेम है जिसमें आप आ रहे हैं और आप किताब लिख के सरवाइव हिंदी में कर पाए ऐसे मैं तो मतलब बहुत उस लकी हूँ इस मामले में कि आ, कि किताबों से रॉयल्टी अच्छी आ जाती है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं उस रॉयल्टी से आज की डेट में एक बत्तीस सौ स्क्वायर फीट का घर बना लू ठीक है लेकिन आ, जो आपको वो मजा देती है उसके अलावा जो आपके लिए रास्ता खोलती है वो किताबें खोलती हैं अगर आप ये सोच के आओ किताबें लिख के ही अब घर चलाऊंगा अपना तो अभी कम से कम हिंदी में और इनफैक्ट इंग्लिश में भी इंग्लिश में भी जो केवल किताब लिख के घर चला रहे हैं ऐसा है हार्डली कोई है या तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हो या तो आप किसी डांस रियलिटी शो में जज हो जाओगे या तो आप कुछ और लेक्चर कर रहोगे या तो आप कुछ और लीडरशिप का वो दे रहे किताब लिख के प्योरली घर चलाने वाले लोग इंग्लिश में भी नहीं है इस देश में है ना हम लोग का बहुत मिसकॉन्सेपन है कि जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं वो वो कर ले रहे हैं तो वो इसकी डार्क साइड है कि आप आओगे तो आपको एक चीज और चाहिए रहेगी तो ये डार्क साइड है लेकिन मजा भी वही है एक्चुअली कि चाहे आप ये सोचो ना कितनी कमाल की बात है कि एकदम से आपको कोई रैंडम कोई लड़का या कोई लड़की मिले और आ, बोले कि आप की, की इस बात से ये बदल गया या ये हो गया और वो न भी मिले मैं कह रहा हूँ और ऐसा आपके जाने के बाद भी हो वो कितनी बड़ी बात है कि आपके जैसे हमेशा लेखकों के साथ जो अच्छी चीज़ हो सकती है कि उनकी जो वसीयत है उनका जो उन्होंने क्रिएट किया है वो लिमिटेड नहीं है उनके बच्चों तक वो पूरी दुनिया का है ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है बहुत जिम्मेदारी वाला काम है जो मैं भी मैं सोचता हूँ कि मैं सही से कर पाऊँगा कोई डर भी होता है ना कि एम आई आई गुड एन फॉर दिस ये जो है अभी हम जाते हैं बुक फेयर में मतलब मुझे मैं वही मैंने भी जब बुक अभी दिल्ली पुस्तक मेले से आए तो मैं देख रहा था कि नीलोत्पल के लिए जितनी भीड़ लगी थी या दिन भर में जब चार सौ सौ साइन हम लोग कर रहे थे उसमें मैं ये चाहता हूँ कि हर लेखक ये महसूस करे कि ये हो सकता है मतलब ये बाहर की दुनिया की बात नहीं है ये झूठ नहीं है हम लोगों को बहुत लोग जो ट्रोल करते थे यार उल्टा सीधा बोलते थे, थे कहते ये कहते ना कि सब सोशल मीडिया में हैं वो जो आया है बच्चा जो आपसे और मुझे खुशी ये थी कि जो साइन किए होंगे उसमें से चालीस परसेंट किताब वो लोग अपनी पुरानी लेके आए थे उस समय खरीद नहीं रहे थे वो आपको जानता है पहले से है, है ना कि और और एक बार मैं बड़ा ही मूवी हो गया वो पुष्पेंद्र या कौन आए थे वो उन्होंने वो मेरे से तीन बार मिले हैं लाइफ में तीनों दिन के उसमें साइन है डेट के अलग अलग

ये स या ये रिएक्शन या ये जो अटैचमेंट लोगों को है नहीं मैं एक्चुअली ना जैसे इस बार ही हुआ ऐसा की एक तो कोई लड़की आई थी और एक आध लड़के भी जो इस तरीके जो बहुत करे थे तो वो ना एक दो लोग ना उनका वो समझ रहा था क्योंकि सेम ऐसा हुआ है मेरे साथ भी कि मैं कैलकाटा लिटरेचर फेस्टिवल में गया हूँ और ऐसे पड़ोस वाली टेबल पे रस्किन बॉन्ड थे

कभी हजार में दो बार होता है उनके साथ तो वो रोज होता है ना जब वो जाते हैं तो तो उनसे मैंने एक बहुत सही चीज़ सीखी है कि जैसे ना कि जब कोई आपसे मिलने में थोड़ा हेजिटेंट है तो ऐसे वो ना ऐसे बुला के ऐसे कंधे पे हाथ रख लेते हैं उससे क्या चल रहा है तेरा क्या हो रहा है ऐसा और मुझे लगता है कि जितना उनका वो जो कनेक्ट है ना वो जो कंधे पे हाथ रखे वो मैजिकल है वो लाइफ का मोमेंट है जब से आपसे जो मिल रहा है ना कोई आदमी या कोई लड़का या लड़की वो ना आपने चार सौ किए आपकी उंगली सूझ गई है उससे आपको घबराना नहीं है आपको रिडेड नहीं होना है है ना कई बार जब आपको मिल जाती है ना वो चीज तो उसका वैल्यू करना बंद कर करते हैं हाँ हम हम लोग मुझे वो भी दिन याद है ना कि हम सोचते थे कि यार कभी मतलब मैं तो तो सोचा ही नहीं था कर कभी लेकिन कि हम क्या जैसे वो इंग्लिश में लोगों का करते हैं हम कभी ऐसा कुछ कर पाएंगे और आज जब वो ज्यादा होता है या होता है तो लोग उससे ना भागते हैं क्योंकि ना जो हमारा पाठक है और नई वाली हिंदी में जो पाठक है या हमारा जो जो नया एक माहौल बना हिंदी का उसमें जो हमारा पाठक है ना वो हमको बड़ी उम्मीद से देख रहा है वो हमारे हम उस, वो केवल हमें ना लेखक की तरह नहीं मानता वो हमें अपने परिवार का हिस्सा मानता है वो जानता है अपने की भी डिस्कस करेंगे। वो बताएंगे मेरे घर में मेरे पिताजी माता जी नहीं मान रहे मैं ये करियर करना चाहता हूँ आप समझा देंगे मैंने कितने फोन ऐसे किए हैं तो मैं और जबकि नॉर्मली क्या होता है तो हमें वो ना केवल लेखक की तरह नहीं देगा तो मैं ना वो जो विश्वास आया है ना वो मैं केवल इस वजह से नहीं तोड़ दूंगा कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है या मेरा मूड ऑफ है किसी और वजह से या वो क्योंकि ना वो उस मोमेंट मिल रहा है मेरे से और ये हर तरफ बरतना चाहिए जब आप पब्लिक लाइफ में है ना जब आप है आपने ये है तो इस जीवन को जीने की एक कॉस्ट है और आपको वो खुशी खुशी देनी चाहिए आप एक मिनट में सोचो ना ये नहीं होगा और आप बुक फेयर से निकल रहे हैं जैसा ज्यादातर लेखकों के साथ हो रहा है जहां लेखक लेखक से मिल रहा है पुस्तक मेले में और वर्सेज एक तरफ आपसे पाठक मिल रहा है आप हमेशा चाहते हो ना आपसे पाठक मिले है ना हमेशा दस लेखकों से मिलना और वर्सेस एक पाठक से मिलना भले उसको किताब आपकी पसंद नहीं आई है वो भले आपसे जिरा कर रहा आपने इसको क्यों मार दिया उसको क्यों जिंदा कर दिया वो ज्यादा बड़ा है वर्सेस की आप कोई लेखक किसी दूसरे लेखक से मिले और वो आपस में बात करें कि हिंदी में तो दो ही लोग अच्छा लिख रहे हैं एक आप और एक मैं <laughs> उससे तो फार बेटर बात है ना कि हमें कोई ऐसा पाठक मिले जो हमसे आके शिकायत तो मुझे लगता है मैंने इसीलिए वो लिखा भी कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई ये चखे स्वाद और चखेगा क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है ना वो हमसे बहुत स्मार्ट है कलेक्टिव ऑडियंस का जो विजडम होता है जो हमारे रीडर्स का विजडम है वो हमारे सोचने के उससे बहुत बियॉन्ड है हम हमेशा ना हिंदुस्तान में जो आम लोग हैं ना हम उनके इंटेलिजेंस को डिस्काउंट करते हैं और हिंदी में पहली बार ऐसा हमने करना हमने उसको इम्पोर्टेंट माना हमारे लिए ना जैसे वो एक बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी वो जुम्मन मियाँ बाल काट रहे हैं और वहाँ पे एक मजदूर बाल कट रहा है तो एक लेखक जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बता रहा है मैं कहानी भूल गया बड़ी सही थी तो कहते हैं अभी तो जो तुम क्यों इतने ध्यान से उसका बाल मना रहे थे तेल लगा रहे थे अभी तो जाएगा रेत में उठाएगा सब फिर से रेत आ जाएगा इस पर तो जुम्मन मियाँ उसमें बोलते हैं उसको कि सर हमारे लिए जो बैठा है ना कुर्सी पर वही कलेक्टर है वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए वो एक एक पाठक एक एक बूंद वो बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हीं ने हमें जो बनाया है जो दिया है जो भी है जो हमें विश्वास आया कि हाँ हम कोई ऐसी बात कह पाएंगे अब मुझे इब्न बतूती पढ़ के कितने लड़कियों के हाथ से लिखे हुए चिट्ठिया आई कितने लोगों के पेरेंट्स से मैंने बात की उसके दौरान मैंने एक अलग नंबर लिया था जब वो किताब आई थी बात करने के लिए कि बात की है और तो उन्होंने बोला कि कि हमारी मम्मी ने ये बात उनका एक किसी से प्यार करती थी जो हमारे पिताजी नहीं थे तो उनसे उनका था उन्होंने ये बात मुझे पहली बार बताई आप सोचिए कितना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है oh, वो oh. उनका आपस में ज्यादा है मेरा ये चीज सुनना एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ यार हम जहाँ पंद्रह साल पहले जो सोचते थे मैं और जो मेरे पब्लिशर हैं शैलेश कि हम कुछ हिंदी में कर गुजरेंगे शायद हम दिशा हमारी ठीक थी अभी भी हम शुरू ही किए तो मुझे लगता है दिशा बहुत जरूरी है ऐसा लग रहा है अपन एकदम तो करके <laughs> आप बात खत्म करने की हम कितना सवाल चारी? जो मेरे से छूट गया जो

हाँ ऐसे कर सकते हैं जो जो की हो भी रहा है यही है आ, तो कि हम लोग जो बात कर रहे हैं ये शो है अनस्पोकन विद बत्तू और उम्मीद करूंगा कि इसके इतने सीजन बने, इतने सीजन बने कि ये थक जाए सीजन करते करते और सीजन बदलते रहे और सीजन आते रहे तो <laughs> अनस्पोकन विद बत्तों के इस एपिसोड में आपको मजा आया कि नहीं दिव्य प्रकाश दुबे जी के ज्ञान के सागर में डुबकी लगाकर आनंद ही आ गया होगा अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए शेयर कीजिए इसे हम क्या और बेहतर कर सकते हैं ये भी प्लीज हमें लिख कर आप बताइए इसके बिना हम कैसे समझेंगे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं और किनसे आप मिलना चाहते हैं उनके बारे में भी आप हमें नीचे बताइए कमेंट्स में ताकि हम उनको अनस्पोकन विद बत्तों के अगले एपिसोड में लेकर आ सकें हर फ्राइडे को एक नया एपिसोड रिलीज होता है अनस्पोकन विद बक्तो के दूसरे एपिसोड में दिव्य प्रकाश जी को सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इंतजार हर फ्राइडे में करूंगी हर फ्राइडे रिलीज होते ही आपको आकर एपिसोड देखना है और अपने विचार नीचे कमेंट्स में छोड़ने हैं थैंक यू सो मच लीव अ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो यार बहुत-बहुत बहुत कुछ लगता है एक एपिसोड निकाल के लाने में तो ये वो हिम्मत चाहिए थैंक यू बाय बाय अरे हाँ स्पॉटिफाई गूगल पॉडकास्ट में भी आप इसको सुन सकते हो जस्ट टॉप ऑफ द माइंड